नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। पंचायत चुनावों का रास्ता साफ होने के साथ ही राज्य की दो प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना के चलते राजनीतिक गतिविधियों में ज्यादा हलचल तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने पंचायत चुनाव के लिए जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। इन चुनावों में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला ले लिया है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने तो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन राज्य में इंतजार है तो केवल सरकार की उस चिट्ठी का, जिसके आने के बाद आयोग की ओर से भी तैयारियां तेज हो जाएंगी। इसी पर चर्चा करेंगे, पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। हरियाणा में सवा साल बाद एक ओर जहां पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। हाईकोर्ट की ओर से पंचायत चुनाव का रास्ता साफ करने के बाद अब राज्य चुनाव आयोग को इंतजार है तो केवल सरकार की एक चिट्ठी का, और जैसे ही चुनाव को लेकर सरकार की ओर से चुनाव आयोग को चिट्ठी मिलती है, वैसे ही आयोग की ओर से चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। जो पंचायती चुनाव के लिए तो कोर्ट से भी क्लियरेंस हो गई, वो सिर्फ राज्य सरकार से एक होता है कि वो सभी जहां पे भी रिजर्वेशन होनी है पोस्टों की वो कर दी है, वार्डबंदी पूरी हो चुकी है, तो एक मैंडेटरी कंसल्टेशन उसको बोलते हैं, एक्ट में प्रावधान है, वो चिट्ठी आ जाएगी तो उसके बाद हम आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे, हमारी तैयारी पूरी। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को पंचायत चुनाव कराने की अनुमति तो दे दी है, वहीं सरकार अपनी सुविधा अनुसार और तैयारी के हिसाब से चुनाव की तारीख घोषित करेगी। पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, हरियाणा में जल्द होंगे पंचायत चुनाव, हरियाणा सरकार निर्धारित करेगी तारीख। फरवरी 2021 में खत्म हुआ था कार्यकाल, वहीं पंचायत चुनाव पर बोलते हुए पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। पंचायत की हमारे माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई थी, हमारी सरकार उसके लिए तैयार है और बहुत जल्दी अगले एक दो महीनों के अंदर हम चुनाव में जा रहे हैं। कोविड का समय तो आप सब जानते हैं और पंचायत लेट हुई, बिल्कुल थोड़े से डेवलपमेंट अच्छे से हो सकती थी मैं कह सकता हूं, लेकिन अभी भी कोई कसर बाकी नहीं रहने दी है। पंचायत चुनावों का रास्ता साफ होने के साथ ही राज्य की दो प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना के कारण राजनीतिक गतिविधियों में ज्यादा हलचल तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने पंचायत चुनावों और नगरपालिका चुनावों के लिए जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू कर दिए। हालांकि एक ओर जहां बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने पर असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है, तो वहीं पंजाब में अपने ऐतिहासिक जीत से उत्साहित आपने पहले ही पंचायती राज चुनाव और नगर निगम चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ने की घोषणा कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। पंचायत चुनाव काउंटडाउन जारी, किसकी कितनी है तैयारी आइए जान लेते हैं। मिलवाती हूँ पैनल से सबसे पहले सत्यव्रत शास्त्री हैं, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत स्वागत है शास्त्री जी एक बार फिर से। विवेक चौधरी प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी आपका भी स्वागत करती हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर सुभाष सप्रा रेणा न्यूज के स्टूडियो में मौजूद है, आप राजनीतिक विश्लेषक है सर, आज फिर आपके विश्लेषण की जरूरत आन पड़ी है, बहुत स्वागत है। और इनके अलावा हमारे साथ ओंकार सिंह है प्रवक्ता, इनेलो सिंह साहब मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। जैसे जैसे पैनल बढ़ेगा आगे मेहमानों से भी मिलवाएंगे जो अभी मौजूद हैं, आइए इनसे इनकी तैयारी जान लेते हैं। आप इंतजार कीजिए सप्रा साहब, पहले सबसे होते हुए आती हूँ। शास्त्री जी कितनी तैयारी है, अभी तक चिट्ठी नहीं भेजी आप लोगों ने, चुनाव आयोग इंतजार कर रहा है। जरूर मिलेगी, जल्दी मिलेगी, अच्छी मिलेगी, मिल रही है शास्त्री जी, क्योंकि 10 तारीख को नगर निकाय चुनाव के विषय में
बोलिए सर, एक फैसला हाई कोर्ट की ओर से आना है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि शायद उस दिन उस विषय में भी कोई डिसीजन आ जाए, तो दोनों चुनावों की तालमेल आपस में कब कैसे किया जाए तो वो आते ही तुरंत उसके बारे में निर्णय हो जाएगा। फिर भी सर कितना वक्त लगेगा? सब लोगों को ये जो एक लंबे समय का इंतजार था, है जी, फिर भी और कितना वक्त लगने वाला है अंदाजन? नहीं नहीं वक्त नहीं है, केवल 10 तारीख का इंतजार है। 10 के बाद जैसे ही हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा उसके तुरंत बाद इसके ऊपर निर्णय, पंचायत चुनाव तो चल ही रहा है, आज चुनाव आयोग ने अधिकारियों से बातचीत भी कर ली है और नगर निकाय चुनाव का जो फैसला है इसके तुरंत बाद इस बारे में स्पष्ट जल्दी तारीखें घोषित हो जाएंगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं पंचायत चुनाव के लिए तारीखों को लेकर बातचीत चल रही है, निकाय चुनाव पर फैसला आने के बाद आप लोग तारीख तय करेंगे। ठीक है, पंचायत चुनाव पर मैं दोनों चुनाव होने ही है, ड्यू है तो हाईकोर्ट में, तो आप ये मन बना रहे हैं क्या कि एक ही साथ हो जाए? आप ये मन बना रहे हैं? नहीं, एक साथ तो संभव नहीं है दोनों स्तर का, लेकिन उसके बीच पर्याप्त अंतर एक बार पता चल जाए कि कौन सा चुनाव कितने समय के बीच में हो। चुनाव आयोग को भी इस बारे में डिसीजन लेना है, संसाधनों को भी देखना है, सब बाकी चीजें देखनी है, तो जब दोनों चुनाव की तारीखें एक साथ चुनाव आयोग निर्णय करेगा तो उसके बाद सरकार से तालमेल बैठा कर ये चीजें जल्दी आउट हो जाएगी। तो जो चिट्ठी आप भेजने वाले हैं पंचायत चुनाव को लेकर, वो 10 तारीख के बाद वो पत्र आप लोग भेजेंगे? देखिए दोनों ही एक साथ मुझे लगता है कि तारीखें तो संभव है कि हो जाए, चुनाव में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है लेकिन ये ज्यादा निर्णय तो चुनाव आयोग को करना है क्योंकि दोनों चुनाव ड्यू है। नहीं, और हाई कोर्ट की क्लियरेंस भी जल्दी मिलने वाली है, पंचायत को मिल गई। धनपत साहब कह रहे हैं कि आपकी चिट्ठी का इंतजार, सरकार उसके लिए तैयार है। धनपत सिंह जो राज्य चुनाव आयुक्त हैं वो कह रहे हैं ठीक है, वो इंतजार है, देंगे 10 तारीख के बाद देंगे। हाँ, उसके लिए मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे पंचायत चुनाव के लिए रास्ता हमारी मान्यता के अनुसार या हमारी योजना के अनुसार हाईकोर्ट ने हमारे उस परिवर्तन के ऊपर मोहर लगाई है, इसी प्रकार नगर निकाय चुनावों के अंदर भी जो कुछ माननीय हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद दोनों को तालमेल बैठाते हुए ये आ जाएगी बात। यह होगी तारीखों को लेकर बात, आपकी कितनी तैयारी है सर छोटी सरकार के लिए? देखो हम तो डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की तैयारी हम कर रहे हैं, पहले से हम हैं, हमारी जो कार्यकर्ता और नेता है वो सीजनली नहीं है, समय समय के ऊपर निकलने वाले नहीं है, ये 12 महीने 24 घंटे चुनाव के और पार्टी के गतिविधियों में लगे रहते हैं। अभी आपने देखा होगा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने गुड़गावा, सोनीपत और हिसार में जिस प्रकार कार्यकर्ताओं की अलग अलग स्तर की बैठकें ली हैं और पिछले 3 महीने से राज्य के बड़े राजनेता और मंत्री स्तर के लोगों का अलग अलग प्रभारी और उनकी वहां की जिम्मेवारी तय कर रखी है, तो हम पर्याप्त समय से चुनाव की तैयारी में है और हमारी ओर से पूरी तैयारी है, मिलकर लड़ेंगे। ज्यादा जिम्मेवारी हमारी बनती है, हमारे पास डबल इंजन है सर। आपने कहा कि आप डबल इंजन की सरकार है तो चुनाव मिलकर लड़ेंगे, गठबंधन की सरकार चुनाव लड़ेगी अलग अलग लड़ेगी? देखिए ये चीजें हमारे स्तर पर नहीं होती, ये केंद्र के स्तर पर होती हैं और गठबंधन जब भी होता है तो केंद्र स्तर पर होता है, केंद्र का नेतृत्व जैसा हमें आदेश करेगा हम उसी के लिए तैयार हैं। ठीक है, मैं आपके जरा दूसरे इंजन से बात कर लेती हूँ। हमारे साथ जेजेपी से विवेक चौधरी को इंट्रोड्यूस कराया था मैंने। विवेक जी कितनी तैयारी है पंचायत चुनाव की? अनामिका जी, तैयारियां पूरी हैं, चुनाव की तारीख डिक्लेयर हो जाए, हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता लगातार तैयारियों में लगे हुए हैं और जिस दिन भी तारीख ऐलान होगी उसके बाद आपको तैयारियां दिख भी जाएंगी। आज कहीं ना कहीं चुनाव बहुत लेट है उसको देखते हुए तैयारियां तो पहले से चल रही हैं, चुनाव जब भी होगा ज्यादा दूर नहीं है, जैसे इलेक्शन पंचायत चुनाव के लिए दिल्ली दूर नहीं है अब, क्योंकि
कोर्ट का आदेश पंचायत चुनाव के लिए आ ही गया है, निकाय चुनाव पर कह रहे हैं शास्त्री जी की 10 तारीख के बाद 1-7 तारीख का ऐलान कर देंगे हम। चुनाव अलग अलग होंगे, थोड़ा डिफरेंस रहेगा ताकि दोनों की तैयारियों और चुनाव कराने को लेकर वक्त मिले, लेकिन 10 तारीख के बाद लग रहा है, उम्मीद है कि आप लोग जी जी लिख देंगे चुनाव आयोग को। जी अनामिका जी, जो ऑब्जेक्शंस थे, जो डीसी से रिपोर्ट आनी है, वो रिपोर्ट्स भी आ जाएगी और उसके बाद चिट्ठी भी सरकार की तरफ से चली जाएगी। ठीक है, केंद्रीय नेतृत्व जो कहेगा हम वही करेंगे। अगर कहता है बीजेपी अकेले लड़ेगी तो बीजेपी अकेले लड़ेगी, अगर बीजेपी गठबंधन के साथ लड़ेगी तो बीजेपी गठबंधन के साथ लड़ेगी। क्या दोनों ही सिचुएशन के लिए जेजेपी तैयार है? अनामिका जी, ये शास्त्री जी ने बहुत अच्छे से कहा कि ये हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर की बात है। नहीं, उसी तरह मैं वो उन्होंने अपनी बात कही ना, आप जेजेपी है, वो आप जेजेपी की बात कही। अगर अगर सर मैं सर पहले मेरी बात बता रहा हूँ, रुके, मैं सवाल थोड़ा सरल कर दूं, स्पष्ट कर दूं। अगर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, जैसे कि शास्त्री जी ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व तय करता, अगर उनका शीर्ष नेतृत्व ये कहता है कि जाइए आप अकेले लड़ लीजिए, तो आप अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं क्या? नहीं, हर कंडीशन के लिए तैयार हैं, जो भी उस टाइम पे कंडीशन होगी उसके लिए तैयार हैं। पहले मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, सरकार गठबंधन में है और चुनाव भी गठबंधन में ही लड़े जाएंगे। वो हमारे नेताओं का फैसला होगा, जो भी होगा वो सर्वमान्य होगा। जी आप कह रहे हैं, बीजेपी नहीं कह रही, वो कह रही है केंद्रीय आला कमान जो कहेगा वो करेंगे, वो नहीं कह रहे कि गठबंधन में लड़ेंगे, वो कह रहे जो आदेश होगा वो। हम भी वही कह रहे हैं कि जो नहीं, हम भी वही कह रहे हैं, जो आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा, हमारे नेता जो कहेंगे वो मान जाएगा। अगर गठबंधन में लड़ना है तो गठबंधन में लड़ेंगे, अगर अलग लड़ना है तो अलग लड़ेंगे। हाँ। वैसे जो बात है, सरकार जब गठबंधन में है तो गठबंधन में ही चुनाव लड़े जाते हैं। पीछे नगर निगम के चुनाव जो हुए उनमें भी हम गठबंधन में ही लड़े हैं। ठीक है, बहुत खुलकर आप लोग बोल रहे हैं, अच्छा लगता है, ऐसे डिबेट करने में आनंद आता है। मैं ओंकार सिंह आपके पास आ रही हूँ, इनेलो की क्या तैयारी है छोटी सरकार के लिए? अनामिका जी, हमारी पार्टी शुरू से गाँव में बहुत समृद्ध रही है और इस बार भी हमारी गांव स्तर पर एक बूथ स्तर पर बहुत अच्छी तैयारी है। और मैं मौजूदा सरकार के बारे में बता दूं, डबल इंजन की सरकार है, इन दोनों का अभी तक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम डिसाइड नहीं हुआ है। 2.5 वर्ष हो गए हैं, एक दूसरे की खींचातानी में गुजर चुकी है। और ये मैं बताना चाहूंगा, ये सरकार चुनाव को जान बूझ कर आगे तकाना चाहती थी, क्योंकि किसान आंदोलन में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर तक गाँव वालों ने नहीं उतरने दिया और गांव में इनके कार्यकर्ता पूछने तक नहीं जा सकते थे। ये तो किसान आंदोलन के ये पॉइंट ओंकार जी क्यों हमारी नहीं नोट कर लीजिए, मैं आप दोनों से कह रही थी, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, मैं सपरा साहब के बाद आऊंगी। मैं किसी के बीच में नहीं पहुंचा, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मेरे को बोलने दीजिए। बोलिए। ये सरकार ऐसी है जो जानबूझकर ऐन मौके पर कोई ना कोई ऐसा छगुफा छोड़ देती है जिससे कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट में जाकर उसको डिने कर सके। अब आप देखिए, फरवरी 2021 में ये चुनाव ड्यू थे, लेकिन इनकी स्थिति इतनी दयनीय थी दोनों पार्टियों की कि गांव में घुस भी नहीं सकते थे। चुनाव कराना तो दूर की बात है, इन्होंने ऐन मौके पे आकर 50% के आरक्षण की बात करी, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन ये आरक्षण की बात 5 साल में पहले भी हो सकती थी। ऐसी इन्होंने पिछली बार किया था जब स्थानीय निकाय चुनाव आए थे, इन्होंने 10वीं कंपलसरी जो कर दी बिल्कुल मौके पे आकर करी थी, ताकि कोई ना कोई व्यक्ति इनमें से अपने में से भी जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, खुद ही जाके टाइम गेन करने के लिए किसी लिटिगेशन में पड़ जाओ। इस बार भी इन्होंने ऐसे ही किया, जबकि लोकतंत्र में सरकार का कर्तव्य होता है, इनकी नैतिक जिम्मेवारी होती है। अभी मैं सत्यव्रत शास्त्री जी को सुन रहा था, ये बोल रहे थे कि संसाधनों का भी अरेंज करना है, दोनों चुनाव कराने हैं। भी ये तो ऐसे कहते जैसे इन्होंने अपनी जेब में से पैसे निकालने हो। सरकार है, सरकार का मतलब है इसके बाद संसाधनों की कमी नहीं होती है, और वैसे भी ये सरकार तो कर्ज लेने में माहिर है, 67,000 करोड़ रुपए का कर्ज था स्टेट पर जब ये सरकार सत्ता में आई, और ये बढ़कर अब तकरीबन 2.5 लाख करोड़ हो गया और महंगे कर्ज, इनका क्या जाता है? ये तो पढ़ना तो अल्टीमेटली जनता के ऊपर है, लेकिन इनकी जो मंशा है वो किसी ना किसी तरीके से
चुनाव को डिले करने की है। आप देखो कितने दिन हो गए उच्च न्यायालय ने कह दिया था सरकार अपनी मर्जी से चुनाव करा सकती है। हाँ, ये सब तो मेहमान हो रहे हैं। रविंद्र सिंह ढुल प्रवक्ता कांग्रेस में जुड़ गए हैं। ढुल साहब सुनिए, मैं सप्रा साहब के बाद हूँ। बहुत दिन पहले हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ने क्या दिया था सरकार जब मर्जी चुनाव करा सकती है, लेकिन अभी भी ये तय नहीं कर पाए हैं। अभी भी चुनाव में योग कह रहे हैं कि इनकी चिट्ठी नहीं आई है। ये एक शर्म की बात है। अपनी नैतिक जिम्मेवारी से भाग रही है सरकार, लेकिन कब तक भागेगी? सत्यवर शास्त्री जी कहते हैं ये तो चुनाव कराएंगी, आपके हाथ में हो तो चुनाव ना भी कराएं, लेकिन आपकी नैतिक जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी से भाग नहीं पाओगे। लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है, जहाँ राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता, जनता पैदा करती है। इसलिए तो आपको चुनाव कराने ही पड़ेंगे। सप्रा साहब क्या कह रहे हैं, ओंकार सिंह जी आप सहमत है? मैं तो सबसे पहले माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जो उन्होंने अभी डिसीजन दिया 5 मई को चुनाव करवाने का, उनका सम्मान करता हूं, और पूरा प्रदेश और सभी पार्टीज भी उसका सम्मान कर रही हैं। ये बड़ी अच्छी बात है जो 1.25 साल पहले से जो पंचायत चुनाव रुके पड़े हैं, और ये इसकी जो डेट थी वो 23 फरवरी 2021 को ये ख़त्म हो गया था, इसका जो कार्यकाल था। 1.25 साल में गाँवों का विकास बिल्कुल रुका पड़ा है, चाहे सरकार कुछ भी कहे, क्योंकि वहाँ का जो प्रशासक है BDPO होता है, और BDPO के पद खाली पड़े हैं। सबसे बड़ी बात ये है, गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कहे, और अभी तो हाई कोर्ट ने डिसीजन यही दिया है, सिर्फ आज्ञा दिया है, जबकि मामला वहाँ पे लंबित है। 13 याचिकाएं अभी पेटिशन दायर है, अभी इस पे डेट मिलती रहेगी। और ये चुनाव होने के बाद भी अगर ये फैसला मतलब सरकार के विरुद्ध आता है, तो ये जितने भी पंचायत जो सरपंच पंच जितने भी बनेंगे उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और फेवर में आता है तो माने, और ये भी ये भी हो सकता है। हाई कोर्ट में मामला बड़ा लंबित हो जाता है, लंबा लंबा गवर्नमेंट भी खींचती है और पार्टीज भी खींचती रहती है, और सरपंच पंच भी खींचते रहते हैं मामला जब ये बन जाते हैं। तो ये हाई कोर्ट में हमें आई नो मतलब क्या उसका प्रोसीजर होता है, और कई बार ऐसा होता है पूरी टर्म भी पूरी हो जाती है और उसके बाद डिसीजन आता है। अब गवर्नमेंट को आप देखते हैं कितनी दिनों में करती है। अब पीछे पंचायत चुनाव के लिए इन्होंने अगस्त 2021 में जो है ना जो मतदाता सूची है उसका संशोधन किया था, उसके बाद जारी करी थी जनवरी में। अभी भी जो माननीय धनपत सिंह जी हैं जो इसके जो चुनाव आयुक्त हैं हाँ स्टेट के, अब उन्हें भी टाइम चाहिए। वो भी कई बार मैं उनकी स्टेटमेंट देख चुका हूँ, उनको भी वो मतलब 1.5-2 महीने चाहिए। अभी उसका फाइनल लिस्ट जारी नहीं हुई पंचायत की, जबकि MC चुनाव काउंसलर के लिए तो संशोधित जो है ना सूचियाँ जारी हो चुकी हैं, उसके 47 काउंसलर के चुनाव होने, और उसकी कल डेट भी है, और कल उम्मीद है हाई कोर्ट में कल उसका फैसला हो जाए। और अभी हमारे BJP प्रवक्ता कह रहे थे भाई हो सकता है उसके बाद दोनों काउंसलर और पंचायत उसकी जो डेट्स हैं वो निर्धारित हो जाए। ये ठीक है, गवर्नमेंट मतलब जो है ना तैयारियों में लगी हुई है, चुनाव आयुक्त भी तैयारियों में लगा हुआ है। अब देखते हैं अभी कितना टाइम लेता है। ओंकार सिंह की बात पर आप नहीं बोले कि किसान नाराज थे इसीलिए इन्होंने चुनाव जानबूझकर आगे बढ़ा दिया। इस पॉइंट पर आप मैं बाद में आ जाऊंगी, पहले कांग्रेस की भी तैयारी जान लूं। मैम तो मैं दोबारा आ रही हूँ आपके पास। हमारे साथ रविंद्र सिंह ढुल है। ढुल साहब है क्या आप? सर छोटी सरकार के लिए कितने तैयार हैं आप? देखिए हम तो पूरे तैयार हैं, पहले भी तैयार थे आज भी तैयार, लेकिन कुछ डबल मेहनत करनी पड़ रही होगी। संगठन बनाना भी है, संगठन का विस्तार भी करना है, और छोटी सरकार भी बनानी है। वो सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन हाँ। कुछ चीजों को मैं सिंप्लीफाई कर दूँ, क्योंकि हरियाणा की जनता के लिए जानने बहुत जरूरी है। हाँ। हाईकोर्ट की तरफ से कभी भी किसी भी पेज से किसी भी तारीख से कोई भी चुनाव पे रोक नहीं लगाई गई थी। जो ये रोक लगी है वो सरकार ने अपने खुद की स्टेटमेंट कोर्ट में दी थी कि हम नहीं कराएंगे जब तक फैसला नहीं होगा। उसके बाद सरकार ने कोर्ट में स्टेटमेंट दी थी कि फैसले से भले हम कराना चाहते हैं, ना हाईकोर्ट को कल इन चुनाव पर ऑब्जेक्शन थे ना ही आज ऑब्जेक्शन है। तो ये मेरे हिसाब से सत्ता पक्ष से पूछे जाने वाले गैर सवाल है कि जब आपने हाईकोर्ट के निर्णय के बिना चुनाव कराने दिए, तो 1.25 साल जो है आपने पंचायत पास जो है चुनाव को निर्णय करके जिस प्रकार जो है ग्रामीण स्तर के ऊपर विकास का और पूरे पंचायती राज का नुकसान किया, उसकी भरपाई कौन करेगा? ठीक है शास्त्री जी, कभी भी कोई रोक नहीं लगी, ये ऑफिशियल बता रहा हूँ आपको। जी शास्त्री जी देखिए अनामिका जी, जी
कोई विशेष प्रश्न होता दे, मैं दोनों तीनों का उत्तर देता हूँ। सर उत्तर दे दीजिए आप, प्रश्न तो इतने सारे पूछ दिए, खासकर ओंकार सिंह ने तो सवाल उठा दिए कि आप लोग अपनी तैयारियों में कमी ना रह जाए और नुकसान ना झेलना पड़े, इसलिए ये खेल खेल गए, खेला हो गया। देखो अनामिका जी मेरा आपसे एक निवेदन है कि ओंकार सिंह जी को समय कम दो, टेंशन ज्यादा आने से बीपी की शिकायत है और रात को परेशानी होगी, लेकिन फिर भी मैं कांग्रेस और इनेलो के प्रवक्ताओं का इस बात के लिए थोड़ा सा सोचने के लिए विवश करूंगा कि आप लोगों ने हाई कोर्ट जैसी संस्था को भी गंभीरता से नहीं लिया। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ तो हाँ मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस और इनेलो के प्रवक्ता को मैं थोड़ा संकेत करना चाहूंगा कि आप हाई कोर्ट जैसी संस्था को भी एक हल्के में लेते हैं, उनको भी आप बरगलाने की स्थिति में रखते हैं, ये मानसिकता ठीक नहीं है। और यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया हो और वो आज हाईकोर्ट की कसौटी पर खड़ा न उतरता तो आज मैं बोलने की स्थिति में नहीं रहता। माननीय हाईकोर्ट ने इस बात के ऊपर मोहर लगाई कि हरियाणा की सरकार ने पंचायत चुनाव में जो संशोधन चाह, स्थानीय चुनाव में जो संशोधन चाह वो बिल्कुल ठीक है और उसी के तहत, क्योंकि आप लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि चुनाव करवाना चाहते हैं तो पुराने आधार पर करवा लें, उस समय भी सरकार का निर्णय था कि आप दबे कुचले और अभावग्रस्त उस वर्ग को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं जिसको अभी प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, नई व्यवस्थाएं खड़ा करना चाहते हैं, नया जमाना है, जमाने के साथ आगे देश और समाज को लेके जाना है। इसलिए हाईकोर्ट ने आज जो हमारे निर्णय के ऊपर मोहर लगाई है वो इन दोनों पार्टियों को ये समझना चाहिए कि हाईकोर्ट जैसी संस्था का सम्मान हम सबको करना चाहिए, उनको कोई बरगला सकता है, वो हल्के में कोई फैसला दे सकते हैं, वो फैसला जानबूझ कर भी दे सकते हैं। इस प्रकार की बातें प्रचलित करके हाईकोर्ट के स्तर को नीचा ना करें। साहब आप बोलिए, आप मैं एक लाइन भी किसी ने नहीं सुना आपको, आप बीच में बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, ये बात को नहीं कुछ काउंटर कर रहे हैं। मैंने अनामिका जी काउंटर मैं भी करना चाहता था। आर यू आप बोले। अनामिका जी काउंटर मैं भी करना चाहता था। सिंह साहब एक लाइन से ज्यादा नहीं, जल्दी क्या बोल रहे थे आप? अनामिका जी मैंने लगता है इनकी दुखती रख पे हाथ रख दिया, जो किसान आंदोलन की बात थी वो सच है, हो गया बस। ठीक है शास्त्री जी पूरा करें, अब बीच में नहीं सिंह साहब प्लीज, बीच में नहीं, ऐसा समझ नहीं आता। देखिए अब इसी बात को मैं लेके चलता हूँ, क्या यदि किसान आंदोलन को देखते हुए चुनाव आगे बढ़े तो आज हाई कोर्ट ने यह विपरीत टिप्पणी क्यों नहीं की? और जो व्यवस्था हम खड़ी करना चाहते थे पिछले चुनाव के समय भी सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी बात को जायज माना और फिर हरियाणा में चुनाव हुए। इस बार भी हमने जो व्यवस्थाएं खड़ी करना चाहते, हम धरने पर नहीं चलना चाहते, देश समाज और दुनिया जांच चाहे नए नए अगर अपनी अपनी गुड़गुड़ी दबा कर राज चलाना का शौक भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, इसलिए हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी ने जो माननीय हाईकोर्ट को अपने उत्तर में दिया, अपनी सूचनाएं दी, माननीय हाईकोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगाकर ये कहा कि आप यू आर राइट। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को, कोर्टों की छोटी संस्थाओं के प्रति भी इतना गंभीर और सम्मान रखना चाहिए। हाई कोर्ट तो पूरे प्रदेश को डोमिनेट करता है, वो हमें सदा सदा दिशा निर्देश देता है, हम उस सबका श्रद्धा का विषय है। आप उनको भी बरगलाने की बात करते हैं, उनको भी भरमाने की बात करते हैं और उनके आधार पर कोई चीज डिले की जा सकती है, ऐसी व्यवस्था आप ये जो सोच करना चाहते हैं ये कोर्ट की अवमानना है और कोर्ट के प्रति हमारा। ठीक है रविंदर सिंह ढोल कुछ कह रहे थे, इनके तुरंत बाद आ रही हूँ विवेक जी कि अपनी बात ओंकार सिंह बिल्कुल नहीं। आपका नाम रविंद्र ढोल है क्या? आपका नाम रविंद्र ढोल है क्या? रुक जाइए ना रविंद्र जी, मैं कह रहा हूँ ये कहना क्या चाहते हैं हाईकोर्ट के कौन से अवमाननाएं? मैं कह रहा हूँ कि हाईकोर्ट ने कभी रोक लगा ही नहीं, एडवोकेट जनरल हरियाणा ने खूब स्टेटमेंट दी थी कोर्ट के अंदर ये हम चुनाव नहीं कराएंगे, ये क्या सरकार पूरी को पूरे भारत हरियाणा को झूठ बोलने का काम कर रही है कि हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी? आज ने पिछले साल चुनाव क्यों नहीं कराए?
जानबूझ करके चुनावों को डिले किया, पंचायत चुनाव के आपने नुकसान किया। आज कोर्ट ने कहा हम नई व्यवस्था से चुनाव करवाएंगे, हाईकोर्ट ने परमिशन दी क्या पहले? पहले पहले भी परमिशन व्यवस्था से चुनाव कराए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने हमने कहा कि नई व्यवस्था के तहत चुनाव करवाएंगे। हाईकोर्ट ने कहा क्या नहीं होना चाहिए नई व्यवस्था? अब कह रहे हैं नहीं, मुझे बताइए हाईकोर्ट ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत चुनाव नहीं होना चाहिए? एक एक करके बोलिए, एक एक करके काम करती है, एक एक करके क्यों झूठ बोल रहे हैं? कौन झूठ बोल रहा है विवेक चौधरी भाई? आप झूठ का नहीं, आप मुझे बताइए अनामिका जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, पहले आपने कभी ये टिप्पणी की कि आप नई व्यवस्था के तहत चुनाव बोलिए ना महाराज, कानूनी है? रविंदर जी अगर आप पूछ चुके तो जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए, आप एक साथ मत बोलिए सब लोग, शास्त्री जी बात रखिए, अपनी बात रखिए। अनामिका जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओमकार सिंह जी भी और रविंद्र ढोल जी से भी मेरी दोनों से एक बात है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार के द्वारा यदि कोई निर्णय पूर्वाग्रह से लिया गया होता तो माननीय हाईकोर्ट अपनी टिप्पणी में लिख सकता था कि नहीं, कि और ये पहले ऑर्डर क्यों नहीं कर देते कि नहीं नई व्यवस्था के तहत चुनाव करवाना गैर कानूनी है और नहीं हो सकती नई व्यवस्था। तो था जी ना, अरे रुकिए रविंद्र जी, हो गया एक ही सवाल बार बार नहीं। अरे विवेक जी, आप ही के पास आऊंगी, आपको मौका ज्यादा मिलेगा, मुझे पता है आप काफी देर से हाथ उठा रहे हैं। शास्त्री जी रोक किसने लगाई थी ये पूछ रही है कांग्रेस। अनामिका जी देखिए, रोक का विषय नहीं, हमने नई व्यवस्था की, हाईकोर्ट में पिटीशन हुई, हमसे पूछा गया, हमने कहा कि हमने ये अमेंडमेंट किया है और अमेंडमेंट के अंदर हमें कोई ऑर्डर नहीं हुआ कि ये जो अमेंडमेंट कर रहे हैं वो गैरकानूनी है, ये नहीं होगा और चुनाव कराइए। चुनाव करवाने के ऑर्डर भी कब हुए ये बताइए मुझे। ठीक विवेक चौधरी, झूठ बोल रहे हैं, इंतजार कीजिए आप सच बोल दीजिएगा अपनी बारी में। विवेक चौधरी, अनामिका जी मेरे बहुत ही आदरणीय ओमकार सिंह जी ने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, मैं इनको याद कराना चाहूंगा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही था ये, एक पॉइंट था जो 50% रिजर्वेशन फॉर लेडीज इन लोकल बॉडीज इसमें पंचायत चुनाव में। आज कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं। ओमकार सिंह जी बताइए, आपको पता नहीं क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का? मैं बताता हूँ, आप मेरे को बता दीजिए कब आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना। ओमकार जी सुनने का काम कीजिए, बीच में नहीं बोलना, सुनने का काम कीजिए। हम कैसे चलाएंगे ये आपको क्या चिंता है? दुष्यंत जी के चुनावी घोषणा पत्र के अंदर दुष्यंत जी ने वादा किया था कि 50% हिस्सेदारी महिलाओं की दी जाएगी, उस वादे को वो तो 51 पेंशन का भी वादा किया था, इनके ही कुछ साथी को वो तो 51 पेंशन का भी वादा किया था। आप सुनने का काम कीजिए ना, वो जनता कहेगी नहीं, अपने बारे में आज कहीं ना कहीं लाट है जो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब इन्होंने अपना वादा, इन्होंने आज तक अपने कोई वादे पूरे नहीं किए, दुष्यंत जी ने अपना वादा पूरा करने का काम किया तो इन्हीं के साथियों ने कोर्ट में जाने का काम किया। आज कहीं ना कहीं यही बौखलाहट है कि दुष्यंत जी अपने वादे पूरे क्यों कर रहे हैं। मेरे साथी बहुत ही मेरे आदरणीय है रविंदर ढोल जी, हमारे पुराने साथी हैं, रास्ता भटक गए थे, कहीं भी गए चलो, आज जहां भी हैं वो बात कर रहे हैं कि सरकार ने रोक लगाई। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, अगर सरकार ने रोक लगाई तो रविंदर ढोल जी आप जिस पार्टी में आज हैं वो विपक्ष का भूमिका निभाने का प्रदेश में काम कर रही है, आपके किसी नेता ने क्यों नहीं उठाया ये मुद्दा? अगर आपको इतना ही लगता है, आप कहते हैं सरकार ने ही रोक लगाई, अगर सरकार ने रोक लगाई होती तो सरकार को कोर्ट ये आदेश ना देता कि आप पिछले जो आपके नॉर्म्स थे उसके तहत चुनाव कराने का काम कीजिए। सरकार ने आज कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि आप चुनाव कराइए, जिस तरह से आप करा रहे हैं ठीक है उस तरह से कराइए, तभी सरकार चुनाव कराने जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने की बातें करती है, इनके पास और कुछ नहीं है। रविंदर ढोल जी को
मैं कहूंगा बहुत अच्छे से जानता हूं और मेरे बड़े भाई हैं, बहुत कुछ इनसे सीखने को मिला, पर अगर इनके पास भी ये मुद्दा होता तो इनके नेता या ये खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में एक मिनट ना लगाते कि सरकार ने डेढ़ साल से आप सुभाष सरप्राइज से पहले कि एक बार बताने का काम कीजिए, आप ही सरकार का हिंसा थे। रिप्लाई लो, रिएक्शन लो, ये जो तमाम बातचीत चल रही है इस बिंदु पर आपका विश्लेषण क्या कहता है? मैं इनेलो के जो साथी ओंकार सिंह जी उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। किसान आंदोलन की उन्होंने बात करी है और किसान आंदोलन कोई छोटा आंदोलन नहीं रहा इंडिया के इतिहास में, इतने मतलब जिसमें केंद्र सरकार को भी बैकफुट पे आना पड़ा, राज्य जो हमारी जो सरकार है उसके लिए भी कोई आसान टाइम नहीं था। बिल्कुल वो भी ठीक कह रहे हैं, सीएम साहब के हेलीकॉप्टर्स नहीं उतरने दिए गए और जो सत्ताधारी मंत्री हैं या बड़े बड़े जो नेता हैं वो भी गांवों में घुस नहीं पाए, उन दिनों की बात बता रहा हूं मैं। उसका चुनाव से संबंध है या नहीं है ये मामला हाईकोर्ट में भी चलता रहा है, साथ साथ उसमें पेटिशन साथ साथ चलती रही हैं, विपक्ष ने भी इतना जोरों से मुद्दा उस टाइम नहीं उठाया। ये ठीक है वो पॉलिटिकल बातें करते हैं भाई चुनाव होने चाहिए चुनाव होने चाहिए, परंतु जो विपक्ष की जो भूमिका है इस मामले में वो सराहनीय नहीं रही, इसलिए लेट भी हुआ, चाहे वो कोरोना की वजह भी रहा क्योंकि वहाँ पे भी जो काम सारा बाधित था, पंजाब एंड हाई कोर्ट में जजेस नहीं आ पा रहे थे, डेट्स नहीं लग रही थी, दो दो छः छः महीने तो सवा साल तो लेट होना ही होना था। तो सरकार के लिए भी अभी भी रास्ता आसान नहीं है, अभी देखते हैं कितने टाइम में वो जल्दी। आपने सहमति जताई, मतलब ओंकार सिंह जो कह रहे हैं कि चुपिए डर गए थे किसान आंदोलन से इसलिए इन्होंने अदालत का रुख किया और वहाँ पिटीशन डाली कि हम ये नई चीजें लेकर आ रहे हैं। देखो ये पॉलिटिकल बातें और भी कह रहे हैं, नहीं इसमें सच्चाई भी है, ऐसी बात नहीं है कोई किसान आंदोलन कोई छोटा आंदोलन रहा है। अच्छा। ये चाहे बीजेपी वाले साथी बोले या दूसरे जेजेपी वाले किसान आंदोलन को छोड़िए, परंतु ये कोई छोटा आंदोलन नहीं रहा, आंदोलन नहीं रहा है। इतना लचीला है क्या, मतलब हमारा हमारी कानून व्यवस्था इतनी लचीली है कि हम अपने हिसाब से उसे कभी भी यूज कर सकते हैं? मैं किसान आंदोलन से डर गई, चाहे मैं बीजेपी हूँ चाहे मैं कांग्रेस हूँ इनेलो हूँ या जेजेपी हूँ सत्तासीन हूँ, अगर मैं किसान आंदोलन से डर गई तो मैं अदालत को अपने हिसाब से चला सकती हूँ क्या? कोर्ट में ये प्रीपोन भी करवा सकते हैं डेट को, ऐसे अब कितना बड़ा मामला है ये पंचायत, सवा साल से चुनाव नहीं हो रहे, गांवों जो है ना सारे के सारे यहाँ पंच रहे सरपंच रहे, सरपंचों का जो चार्ज, आप प्लीज एक बार आप बोल लेना, आप बोल लेना, हमें ये बोलते रहेंगे सुनेंगे, इनकी आदत है कोर्टों की व्यवस्था को भी रखने वाले लोग बताते हैं। आप सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, आप क्या सुनेंगे, आप सुनना ही नहीं चाहते, आपको क्या सुनेंगे, रहेंगे आप हमारा यूथ हमारी आवाम हमारे वोटर्स जिन्होंने सरकारें तय करनी है इस देश को चलाने के लिए, जो जाके सरकारों में बैठेंगे, जो अलग अलग तबकों पे जाएंगे, इस देश को अलग अलग तरीके से अपनी भूमिका निभाएंगे इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो भी इस वक्त आपका विश्लेषण सुन रहे हैं। आप बोलिए 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 बोलिए, रुकिए मेरी बात, पहले मुझे लेट मी फिनिश, मुझे बोलने दीजिए। क्या हमारी अदालतें इतनी लचीली हैं कि हम उसको इस तरह से चला सकते हैं? विश्लेषण एक चीज हो सकती है सर, लेकिन अगर बोलिए तो मुझे लगता है कि एक ऐसा मैसेज भी जाए कि किसकी कोशिश थी। आप सरकार को लेकर सवाल खड़े कर सकते हैं, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या अदालतें वाकई इतनी लचीली हैं हम अदालतों को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? जहां सरकार की बात है जो इम्पोर्टेंट विषय होती है वहां पे वो टाइम टू टाइम पेटिशन लगाते हैं और प्रीपोन करवाया जाता है। मैं एक मिनट बता दूं, कल डेट है, कल म्युनिसिपल काउंसिलर की, कल सर अभी तो उनको परमिशन मिल गई है, कल सर उनको परमिशन मिल गई है पंचायत चुनाव कराने को, फिर भी वेट कर रहे हैं कि निकाय चुनाव की तारीख एक साथ अनाउंस करेंगे? नहीं, दे आर वेटिंग, दे आर, चलो ठीक है, कल क्या कहेंगे? बिल्कुल अब तुरंत उन्हें करना चाहिए 5 तारीख के बाद, अब देखते हैं, मुझे उम्मीद है वी आर होपफुल विद इन 10 डेज जो है पंचायत चुनाव की डेट जरूर से जरूर डिक्लेयर करेंगे ये, और कल अगर उसका फैसला आ जाता है म्युनिसिपल काउंसिलर्स का तो इसकी डेट भी हो सकता है उससे पहले चुनाव हो जाए काउंसिलर। तो सरकार की व्यवस्था रही कि परमिशन नहीं मिला था, या ओंकार सिंह और रविंद्र ढोल जो कह रहे हैं अभी भी आप कहेंगे कि वो ठीक कह रहे हैं?
खुल के बोलिए सर, खुल के आपके मैं स्वच्छंद विश्लेषण की मैं बहुत कायल रही हूँ, खुलकर बोलिए। मैं आपको बता रहा हूँ जी, देखो किसान, ये हमारे साथी कुछ भी कहें बीजेपी वाले, किसान आंदोलन कोई छोटा आंदोलन नहीं रहा, पूरे देश में है कितने वहाँ पे डेथ। छोड़िए किसान आंदोलन को, आप हाईकोर्ट के ऊपर अपना स्टैंड बताइए, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी है, छोड़िए नहीं किसान आंदोलन को, माफी मांगिए तो प्रधानमंत्री को। आप किसान आंदोलन कैसे छोड़ सकते हैं? बात इस बात को बताइए, बात किसान बताइए, आप हाईकोर्ट के बारे में नहीं जा रहे हैं। पहली बात, जब प्रधानमंत्री की बात हो रही है, उन्होंने माफी इसलिए नहीं मांगी कि तीन कृषि कानून लेकर आए थे, दोबारा सुनिए, उन्होंने माफी इसलिए मांगी कि हम समझा नहीं सके कुछ लोगों को, उन्होंने ये कहा था। और आज किसान आंदोलन पर बात नहीं हो रही है, उसकी वजह से सरकार ने ये किया होगा, वो किया होगा, ये आप लोग पॉइंट लेकर आए, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। प्लीज इसको वापस ट्रैक पर लेकर आइए, आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है। चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर, आपकी तैयारियों को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर, इस पर बात कीजिए प्लीज। रविंद्र ढोल, देखिए मेरे ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाएंगे, छोटे भाई के द्वारा भी, शास्त्री जी के द्वारा भी, प्रश्न मैं उठा चुका हूँ और उस प्रश्न से मैं वही का वही खड़ा हूँ, कभी कोई रोकने लगी सरकार के द्वारा कुछ ट्रीटमेंट दी गई। माननीय कोर्ट का एक भी ऐसा आदेश नहीं है जब इनको कोई परमिशन दी गई, इन्होंने माननीय कोर्ट में जाके स्टेटमेंट दी की हम कराना चाहते हैं, कोर्ट ने कहा कराना, इन्होंने पहली स्टेटमेंट दी की हम नहीं कराना चाहते जब तक की कोर्ट का फैसला नहीं होगा, तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है मत कराओ। तो ये इसमें इस प्रेरोगेटिव में कोर्ट कहाँ से आती है, मैं समझ, मेरी समझ से बाहर है। जहाँ तक बात माननीय कोर्ट से ऑर्डर की या फिर माननीय कोर्ट की इन्होंने बार बार ऐसे बात की कि भी कोरोना की वजह से बंद थी, तो ये पूरी तरह से झूठ है। 2020 के अंदर अवश्य बंद हुई, 2021 के अंदर माननीय कोर्ट एक दिन के लिए भी बंद हुई कोरोना की वजह से। जब जब पिटीशन ये मामला जो है पंचायत वाला एक बार ही पोस्टपोन हुआ था, सितंबर 2022 की डेट आई थी, कोर्ट ने अगले दिन उसको टेक्निकल एरर को ठीक करके उसको बाद में पोस्ट कर दिया था। पूरी तरह से झूठे आरोप, पूरी तरह से झूठी दलीलें, कभी भी किसी भी स्टेज पे कोई भी ऑर्डर कोर्ट का नहीं है। जब रोक लगी हो या जब परमिशन दी गई हो, सरकार ने जानबूझ करके चुनाव नहीं करवाए, और मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं कराए, इस चीज का उत्तर किसी के पास नहीं है, बार बार चीजों को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। विवेक चौधरी, देखिए अनामिका जी, जी अच्छा ठीक, मेरे साथी बड़े भाई, मेरे बड़े भाई ने बहुत अच्छे से कहा, कोर्ट ने कभी मना नहीं किया, और कुछ एक साथियों ने तो कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने का भी काम किया। मैं इनसे बारी बारी एक ही सवाल पूछ रहा हूँ कि इस दौरान जब से कोर्ट का, हमारे कहने में कोर्ट ने रोक लगाई, आपके कहने में कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, जब से ये पूरा एपिसोड चल रहा था उसके बीच में विधानसभा के सेशन भी चले, उसके बीच में विधानसभा के सेशन भी हुए, क्या आपके नेता प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे को विधानसभा के अंदर उठाने का काम किया, या आपके किसी भी नेता ने इस मुद्दे को जनता के बीच लाने का काम किया? आज आपकी नींद खुल गई, आप डिबेट के ऊपर आके कह रहे हैं कि सरकार ने रोक लगा रखी थी, सरकार ने रोकने का काम किया, आज ऐसा क्या हुआ कि आज आपकी नींद खुली है? आप आज से पहले क्यों नहीं बोले? आज कहीं ना कहीं जब सरकार के पक्ष में फैसला आया है तो आप जवाब दीजिए। ये सवाल आपके लिए भी, अवकाश सिंह, मैं आपके पास आऊंगी तो जवाब दीजिएगा। रविंद्र सिंह, क्या आपको लगता है, सुनिए सुनिए, आप और ओंकार सिंह जो सवाल उठा रहे हैं सरकार के लिए, आप लोगों को लग रहा है कि इससे इनको फायदा हो जाएगा और आपको नुकसान? नहीं, कोई नुकसान नहीं, इन्होंने तो फिर भी हारना है, मैं तो इनकी मंशा जनता के सामने रखे आ रहा हूँ, कौन सा नुकसान, हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। मंशा आपके सामने आ रही है जनाब। आप सुनिए अनामिका जी, रविंदर ढुल जी ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आया, तो रविंदर ढुल जी अपनी समझ को थोड़ा बढ़ाइए और उस पर ध्यान दीजिए कि सरकार कोर्ट में गई कि हम चुनाव नहीं करवा रहे। एक प्रश्न है मेरा, सरकार गई कि आके हम चुनाव नहीं करवा रहे, एक बात। दूसरी बात, माननीय हाईकोर्ट ने कभी कोई डिसीजन दिया कि नई व्यवस्था जो आप लागू करना चाहते हैं वो गैर कानूनी है, वो नहीं होगी और चुनाव करवाएंगे? और आज जो निर्णय हुआ है, जो आने वाला भी है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा उठाए गए जो सुझाव और जो बदलाव थे उनके ऊपर माननीय हाईकोर्ट ने अपनी मोहर लगाई है, और यदि वो गलत है तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ,
मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्णय का। यदि आपको ऐसे मत है तो जाइए सुप्रीम कोर्ट। हम सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष मजबूती से रखते हुए साबित करना चाहते हैं कि जो हमने निर्णय किया वो हरियाणा की जनता के लिए किया, हरियाणा की आवाम के लिए किया, और जो किया उनके हित के लिए किया। और तब तक हमने माननीय हाईकोर्ट से कहा कि पहले हमारी इन व्यवस्थाओं को आप समझिए और इन व्यवस्थाओं पर निर्णय दीजिए। जब आप इस व्यवस्था पर निर्णय देंगे तब हम चुनाव कराएंगे। कोर्ट में चुनाव रुकवाने के लिए हम नहीं गए, वो आप जैसे मित्र गए थे। और उन मित्रों से पूछे, पेटिशन डालने वालों से पूछे कि आपने समय क्यों खराब किया। हमने तो अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर आते हुए, क्योंकि लोकल चुनाव में अमेंडमेंट करने का अधिकार निजी राज्य सरकारों को है, उसके तहत नई व्यवस्था की। लेकिन मुहम्मद जी नहीं की, लोक सम्मत की, कानून सम्मत की, और माननीय हाई कोर्ट ने उसको ठीक करा। शास्त्री जी, रविंद्र सिंह ढोल, किस निर्णय को आप कह रहे हैं कि कोई निर्णय नहीं आया? पंजाब हाईकोर्ट ने, क्या पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा रविंद्र जी कि सरकार जब चाहे तब तारीखों को अनाउंस कर सकती है, वो अपनी तैयारी को देख ले? नहीं तो कह रहा हूँ, पहले कमरा किया था कोर्ट ने, कभी भी मना नहीं किया। इन्होंने पिटीशन डाली थी ना कि हम नई व्यवस्था के तहत चुनाव कराना चाह रहे हैं, उस पर डिसीजन का इंतजार कर रहे थे हम। यहाँ से कब आगे बढ़ेंगे? ये फरवरी 2021 में भी करा सकते थे, कराइए ना, पहले भी सब्जेक्ट तो फाइनल। वो नई व्यवस्था के तहत अनुमति मांग रहे थे तो कहाँ गलत थे वो बताइए ना। अनुमति मांगी है केवल बदलाई के लिए मांगी गई है, कोर्ट ने कभी रोक ही नहीं लगाई नई व्यवस्था के तहत चुनाव करवाने से। मैं यही पर जनता को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यार तुम कोर्ट को टूल बनाना चाहते हो रविंद्र जी। आप अपने अपनी औकात के ऊपर हो, आप अपनी औकात पर हो, ये ठीक नहीं है। हाई कोर्ट में आप ऐसे ऐसे रिपीट करेंगे, आप उनके डिसीजन को आप अपनी मनमर्जी से घुमाते रहेंगे। वो कह रहे कोर्ट को आपने टूल बनाया, डेढ़ साल समय खराब करने का इन्होंने टूल बनाया। कब कोर्ट ने कब रोका था? आप मुझे बताइए, माने हाई कोर्ट के अंदर कौन गया? आप अनामिका जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, हाई कोर्ट में कौन गया? अब रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए, बहुत हो गया। ओंकार सिंह, अनामिका जी, हाँ जी। अनामिका जी, हाँ देखो जी। गोल गोल घुमाने का कोई फायदा नहीं, बिल्कुल फैक्ट की बात करूंगा। 23 फरवरी 2021 को चुनाव का समय समाप्त हो गया था, नई नया सेशन शुरू था। उस टाइम तक इन को अकल नहीं आई, उस टाइम तक ये सो रहे थे कि महिलाओं को 50% आरक्षण देना है। आप ये बात नोट करना, जब इनके पास इनके दिमाग में एक आइडिया था, हम कहते बहुत अच्छा आइडिया था, बुरा आइडिया नहीं है, तो आप एक साल डेढ़ साल पहले ये नियम बना देते ताकि जनता उससे अवगत हो जाती। और मैं भाई अपने भाई एग्री करता हूँ, ये डेट ध्यान ना बोलिए, आपको डेट ध्यान दीजिए, इनको इनको चुप कीजिए। नहीं नहीं, आपको डेट ध्यान है क्या? आप क्या बना, आप ऐसा उल्लू बनाने की बात कर रहे हैं? आप एक लाइन का काउंटर कर रहे थे, कोई एक लाइन वो बोल सकते हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हो? आपके पास बात नहीं है। अनामिका जी, मेरे भाई रविंदर ढोल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन्होंने नई व्यवस्था में चुनाव कराना था, नई व्यवस्था होनी भी चाहिए, समय अनुसार परिवर्तन जरूरी है। दोनों पे डालो, लेकिन दोनों मिल जाओगे तो एक बार नहीं पड़ने वाली। नई व्यवस्था जो पर चुनाव कराना था, क्या उच्च न्यायालय ने नई व्यवस्था पर रोक लगाई जो ये इंतजार कर रहे थे? जो उच्च न्यायालय ने आज कहा या 3-4 दिन पहले कहा, कैसे कैसे चुनाव करा सकते हैं? आपको एक भी घट चुनाव करा सकते हैं? ये रिपीट कर रही है बातें, कर रही हूँ। कैसे परमिशन दे रहे हो आप? ओंकार सिंह, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए प्रभु, मेरा सवाल सुनिए सिंह साहब। ठीक है, ये आपका आरोप है सरकार के ऊपर कि वो जानबूझ के समय ले रही थी, अपना फायदा देख रही थी। अभी तक आप लोग कहाँ थे? आज की डिबेट का इंतजार कर रहे थे? अच्छा, चुनाव तो अनामिका जी सरकार ने कराने हैं, चुनाव विपक्ष ने तो नहीं करवाने हैं। क्यों नहीं रखा इन सवालों को लेकर आप आते ना सामने? अनामिका जी, हमने पहले भी बोला, अब भी बोल रहे हैं। कहाँ बोला? अनामिका जी, ऑन रिकॉर्ड भी बोला, प्रेस नोट भी दिया हमने। रिकॉर्ड दिखाइए अनामिका जी। अब एक मिनट में तो कंप्यूटर है नहीं जो बटन दबा के आएगा। घंटे बाद भेज दीजिए सर, आप लोग बीच में नहीं बोले, आज बोल रहे हैं। अनामिका जी जवाब लीजिएगा, सुनिए सुनिए, आप बोल रहे हैं जब चुनाव होने हैं। अनामिका जी, मेरे को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद बोलना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, हमने पहले भी इस पर ऑब्जेक्शन किया, अब हम सरकार से गुजारिश करते हैं, जब उच्च न्यायालय ने इनको स्पष्ट कह दिया, वैसे तो रोक लगाई नहीं थी, अगर कह दिया तो अब किस चीज की इंतजार कर रहे हैं?
और अब मैं अपने भाई जेजेपी के प्रवक्ता की बात पर आना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लिया, अरे भाई कहाँ बना लिया, किसने देखा, किसने दिखाया, इक्यावन सौ पेंशन का वादा किया था आपने, वो इक्यावन सौ पेंशन का है आपने। अनामिका जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, बड़ी उम्र के हो, बड़े भाई हो, इसमें कुछ निकलता नहीं, मनमानी। मैं मेरे साथी का झूठ, मैं मेरे साथी का झूठ डिबेट के ऊपर ही पकड़वाना चाहूंगा। ये तो कह रहे हैं मेरे पास कोई डेट नहीं है, मेरे पास कोई कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास कोई फैक्ट नहीं है कि किस तारीख को ये अनाउंस हुआ। मैं बताना चाहूंगा 6 नवंबर 2020 को विधानसभा, हरियाणा विधानसभा के अंदर ये बिल पेश किया गया। 2021 में 23 फरवरी को इलेक्शन डेट ड्यू थी, उसके बीच में कोर्ट में इन्हीं के साथियों ने जाने का काम किया। आपको मैं डेट बताने का काम कर रहा हूँ, मजा की बातें ना कीजिए, फैक्ट्स के साथ डिबेट बैठा कीजिए। जिसका जो दिल चाह वो कह दिया। रुकिए आप, पहले जवाब सुनिए फिर बोलिए, बोलिए जल्दी। नहीं अनामिका जी, मैं ओमकार जी को बताना चाहूंगा, ये इनकी कोई पार्टी मीटिंग नहीं है, ये डिबेट है कि जो दिल चाह वो कह दिया। 6 नवंबर को जब हाउस के अंदर ये बिल पेश किया गया, तो 6 नवंबर में और 23 फरवरी में कितना गैप है आप बता दीजिए। आज कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ मिस गाइड करना चाहते हैं जनता को, और मैंने एक सवाल पूछा इनके भी, इनके, अरे आपके एकमात्र विधायक ने विधायक ने विधानसभा विधायक कभी रिजाइन दे देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। आज डिबेट में आप क्या खुल गई, शास्त्री जी कुछ कह रहे हैं, रुकिए। नहीं आपके कहने से रिजाइन नहीं देंगे शास्त्री जी। अनामिका जी, ओमकार सिंह जी को मैं पूछना चाहता हूँ, अमेंडमेंट घर में होते हैं कि विधानसभा में होते हैं? और विधान, मैं अभी ये भी कह रहा था कि इनके पास कोई जानकारी नहीं है कि ड्यू कब था, सरकार ने इसके अमेंडमेंट कब किया, फिर कौन लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने क्या कहा, इनके पास कोई जानकारी नहीं है। और न ये तैयारी करके आते, हर जगह यही बैठते हैं, एक प्रवक्ता होने के नाते इनको मालूम है, वीपी के मरीज हैं, दबाव इनके ऊपर रहता है, इनकी याददाश्त कमजोर है, इसलिए इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाए। जब एक एक चीज क्लियर है कि कब अमल में हुआ, कब चुनाव होना था, हाईकोर्ट कौन गए, हाईकोर्ट ने कब कब क्या क्या कहा, हाईकोर्ट ने आज क्या कहा, बीच में क्या कहा, एक भी अपडेट ओमकार सिंह जी के पास नहीं है, गारंटी लेता हूँ मैं सवाल बदल। और यदि एक भी डेट को ये बता दे तो मैं 100 रुपया इनाम दूंगा। ठीक है, मैं अब सवाल ही बदल रही। रविंदर सिंह गुल, तैयारियों पर तो मैंने पहले ही आपसे चर्चा कर ली है कि आप कितने तैयार हैं संगठन तैयारी। अनामिका जी तैयारी नहीं है, उससे बचने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं ये लोग। नहीं इसके अलावा कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, जितना भी तो है। अनामिका जी, जेजेपी के विधायक है देवेंद्र बबली, जिन्होंने किसान आंदोलन में क्या दिया था, लोहे के पत्ते डाल के जाना पड़ेगा, ये कारण है चुनाव न कराने का। अरे इसे तो छोड़ो, किसान आंदोलन बोल दिया था देवेंद्र बबली ने, लोहे को पत्ते डाल के किसान को जाना पड़ेगा। अनामिका जी बार बार डाइवर्ट क्यों किया जा रहा है डिबेट को? अरे आपके विधायक ने कहा दिया था लोहे के पत्थर डाल के किसानों में जाएंगे। गठबंधन गिराना पड़ेगा मुझे अगर लास्ट के 3 मिनट बचे हैं। अरे आपके विधायक की गठरी कोई उठा लेंगे, उसके ऊपर क्या कहेंगे? सिंह ढोल सुनिए, तैयारियों पर मैं बात कर चुकी, संगठन बनाने और उस विस्तार की भी जिम्मेदारी है आप लोगों के पास। आप क्या अभी भी पंचायत और निकाय चुनाव में अपनी जीत देख रहे हैं? बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर इसके लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि देख रहे हैं और देखेंगे नहीं, जीतेंगे भी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं कह रहा हूँ। कैसे हरा देंगे, क्या फॉर्मूला है कांग्रेस का? चुनाव का ये भी टेंशन वाली बात होती है। क्या फॉर्मूला है सर, क्या चुनाव में कांग्रेस नहीं जीतती? क्या फॉर्मूला है, मुद्दों को कैसे रखेंगे सामने वो बताइए। जनता के सामने जाएंगे, प्रदर्शन से ही नहीं निकल पा रहे आप लोग शक्ति प्रदर्शन से ही नहीं निकल पा रहे हैं।
कैसे जाएंगे जनता के आगे, फॉर्मूला क्या है? शक्ति प्रदर्शन क्यों नहीं निकल रहा है? शक्ति प्रदर्शन क्या हो नहीं रहे हैं यहाँ पर क्या? वही तो मैं कह रही हूँ, शक्ति प्रदर्शन से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे में डोर टू डोर अपने मुद्दे पहुँचाएंगे कैसे? ऐसा कुछ भी नहीं है, संगठन भी हर जगह काम कर रहे हैं, पार्टी भी हर जगह पे काम कर रही है, हमारे नेता भी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, जिनकी पंचायती राज चुनाव के लिए ड्यूटी और ड्यूटी का काम कर रही है, जिनकी संगठन बनाने की ड्यूटी है, संगठन बनाने के ऊपर डबल इंजन को हरा देंगे, रिवाइज किया जाए, डबल इंजन को हरा देंगे, बड़े आराम से आ रहे हैं, बड़े आराम से खराब कर रहे हैं, अपने टक्कर में किसको देखते हैं? अपने टक्कर में कोई भी नहीं है, इनकी आपस में टक्कर है, ये चाहे तो जनता भाजपा आपस में टक्कर दे करके कोई कम हारे, हमें को फर्क नहीं। शास्त्री जी कोई नहीं है टक्कर, बाकी और बाकी कहीं क्यों गिनती नहीं होगी? शास्त्री जी कोई नहीं है टक्कर में क्यों पड़े हैं? देखिए अनामिका जी, जी बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि भाई सत्ता पक्ष के लोग जो निर्णय करेंगे निर्णय वो होने हैं, हमारी 3-13 में कहीं गिनती नहीं है, न जनता हमें कुछ पूछ रही, न ऊपर के नेता हमें पूछ रहे, तो हम तो खाली हैं, तो जो जनता जो सरकार है वो लोग करेंगे जो कुछ करेंगे, क्योंकि उन्हीं के पल्ले संगठन है, उन्हीं के पल्ले कुछ योजनाएं हैं, उन्हीं के पास अपने संकल्प को पूरा करने के समय और सामर्थ्य है, तो बाकी लोग क्या करेंगे, तो तमाशा देखने वाले लोग है। अभी अभी इनका शक्ति प्रदर्शन एक तरफ से हुआ है, अभी तो 4 बाकी है, वो लोग भी करेंगे और उसके बाद चुनाव आ जाएगा। आप लोग कब तय कर लेंगे कि गठबंधन में लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे? जी कब तय कर लेंगे, कब तक आ जाएगा आदेश आला कमान का? ये तो हमारा 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 चुनाव आयोग ने जैसे डेट तय की, वैसे तो ये इसमें कोई बहुत ज्यादा अड़चन वाली बात नहीं है, क्योंकि चुनाव जो है वो गठबंधन की सरकार है, गठबंधन अच्छा चल रहा है, कोई विषय नहीं है, लेकिन भी किसी किसी चुनावों के ऊपर कोई बात आती है तो निर्णय चुनाव डिक्लेयर होते ही हो जाएगा। अगर अगर अचानक से कह दिया बीजेपी ने कि हम तो अकेले लड़ेंगे, अनामिका जी उस दिन के लिए आप तैयार है क्या? आप लोग अलग से तैयारी कर रहे हैं क्या? जल्दी से 10 सेकंड। अनामिका जी तैयारियां पूरी है, गठबंधन में चुनाव होगा और जो साथी कह रहे हैं कोई नहीं है टक्कर में, उनकी आपस में टक्करें बज रही हैं, वो टक्करें आपके चैनल ने भी बहुत अच्छे से दिखाई, किस तरह कुमारी सहजा को हटाने के लिए टक्करें लगाई गई, किस तरह कुलदीप बिश्नोई और सुरजेवाला अलग अलग चूर लाप रहे हैं। आप किसको देख रहे हैं अपने टक्कर में? ओंकार सिंह। अनामिका जी सबसे पहले तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता भटेन से अनुरोध करूंगा कि अब इनके ऊपर कोई रोक नहीं है, जल्दी से चुनाव डिक्लेयर कराइए और चुनाव की तिथियां दीजिए, बाकी जनता जनार्दन के ऊपर है कि उसने किसको चुनना है। जैसे मेरे भाई विवेक चौधरी क्या रहे थे अभी, माफ कीजिए सर, माफ कीजिए जल्दी 10 सेकंड। अभी हमारे साथी हम नई व्यवस्थाओं के अंतर्गत चुनाव करवा रहे हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, परंतु ये भी पता होना चाहिए, अभी माननीय पंजाब एंड हाई कोर्ट ने उस पर ठप्पा नहीं लगाया, मोहर नहीं लगाई कि आपकी नई नई व्यवस्थाएं वो ठीक है, सिर्फ ये मामला बिल्कुल लंबित है, सिर्फ ये प्रेशर है भाई गांवों में, वहां पे विकास नहीं हो रहा और 1.25 साल से वो लेट हुए हैं, इसलिए माननीय पंजाब एंड हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया जनता के फेवर में। 10 तारीख को कोर्ट को एक बार सुन ले, उसके बाद कोशिश यही रहेगी कि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव दोनों की तारीखों का ऐलान एक साथ कर दे, चुनाव थोड़ा गैप में हम जरूर करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तारीखों का ऐलान, तारीखों की घोषणा या अनाउंसमेंट सरकार एक साथ करवाना चाह रही है, चुनाव आयोग के अधिकारियों से बातचीत भी चल रही है, अपडेट लेकर आते रहेंगे, देखते रहिए रणा न्यूज, नमस्कार।